और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट की सिंबल ही कुछ इस तरह के है। और गेट है उसके साथ आपके साथ थोड़ा सा स्पेस में आपका इस तरह है, एक इनपुट है, दो आउटपुट हैं, मल्टीपल इनपुट्स भी हो सकती हैं। इसमें बस थोड़ा सा ट्रिकी ये है कि आपने इसका लॉजिकल टेबल याद रखना है। अच्छा, एक्सक्लूसिव और गेट को आप एज ए ऑड फंक्शन भी यूज़ करते हैं। ऑड फंक्शन क्या होता है कि आप फंक्शन की जो आउटपुट है वो वन तब होगी जब इसकी जो दोनों इनपुट्स हैं या मल्टीपल इनपुट्स हैं उनके ऑड नंबर्स ऑफ वंस होंगे। खैर अभी हम टेबल में देखते हैं आगे कि ऑड नंबर ऑफ वंस क्या होते हैं। कि देखिए इनपुट इसकी वन कब है, जब आपके ऑड नंबर्स, ऑड्स कौन कौन से, वन है, थ्री है, फाइव है। अगर इस तरह आपको इसकी कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप हो रहा तो आप ऐसे याद रख लें कि एक्सक्लूसिव और गेट्स में सेम पे ज़ीरो वैल्यू आती है, यानी इनपुट्स पे अगर आपके सेम कम्बिनेशन हो, देखें 0 0 पे 0 है, 1 1 पे 0 है, सेम कम्बिनेशन है, और डिफरेंट कम्बिनेशन है 0 1 या 1 0 पे देख लें आउटपुट आपकी 1 1 आ रही है। और ये इसकी लॉजिकल इक्वेशन है जो हम इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी वैसे टाइमिंग डायग्राम है, आप इन लॉजिकल टेबल्स के थ्रू भी टाइमिंग डायग्राम को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन आपकी एक इनपुट है, सेकेंड वन दूसरी इनपुट है। ये लॉजिकल जो आपका टेबल था उसको यूज़ करके, और थर्ड वाली आपकी आउटपुट है। इस तरह एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, आपका एक्सक्लूसिव और के आगे एक इन्वर्टर लगा दें या बबल लगा दें तो आपका वो एक्सक्लूसिव नॉर गेट बन जाएगा। और एक्सक्लूसिव नॉर गेट का यूज़ आपका इवन फंक्शन के लिए होता है। अब और दूसरा ये है कि एक्सक्लूसिव नॉर गेट जो है आपको वो डिजिटल लॉजिकल गेट्स में यूज़ होता है, जब आपकी मल्टीपल इनपुट्स हों और आपने लॉजिकल कोई इक्वेशन को प्रूव करना हो या उसको आपने सिंप्लीफाई करना हो। और जो आउटपुट है वो आपकी एक्सक्लूसिव नॉर गेट की वो ट्रू कब होती है, जब इसकी ऑल इनपुट्स आर ट्रू। जैसे देख लें एक्सक्लूसिव नॉर गेट्स की आउटपुट वन कब होगी, जब दोनों इनपुट सेम होंगी नॉर की। पहले और था, अब एक्सक्लूसिव नॉर है, और ये इसका लॉजिकल इक्वेशंस हैं, ए एक्सक्लूसिव बी और इसका होर बार। तो और ये इसकी टाइमिंग डायग्राम है, ये आप वैल्यूज़ चेंज भी कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप, ये आपकी आउटपुट टाइमिंग डायग्राम है। ये लास्ट में समरी है आपके जितने लॉजिकल गेट्स हैं। ये एंड गेट है, उसकी सिंबल है, उसकी लॉजिकल इक्वेशंस हैं, और ये उसके लॉजिकल टेबल हैं। इस तरह और गेट है, और गेट्स की लॉजिकल इनपुट्स हैं, लॉजिकल इक्वेशंस हैं, और इसका ये लॉजिकल टेबल है। इस तरह नॉट गेट है, और ये बफर है, बफर में कि सिंपली आप सर्किट को अटैच करने के लिए यूज़ करते हैं। नैंड गेट है, नैंड गेट्स के आपका एंड का इन्वर्ट है। अगर आपको एंड गेट और गेट हैं तो डेफिनेटली उनकी सिर्फ वैल्यू इन्वर्ट कर दें तो आप नैंड और नॉर बना लेंगे। और लास्ट में जो दो हैं थोड़े से ट्रिकी, एक्सक्लूसिव आर गेट, उसमें कोई ट्रिकी नहीं है, बस सिंपली ये है कि आप लॉजिकल इक्वेशन याद रख लें, एक्स इंटू वाई बार प्लस एक्स बार इंटू वाई, यानी दो इक्वेशन जो दी हुई हैं, सॉरी दो जो इनपुट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम एक को मल्टीप्लाई दूसरे का बार, और सेकंड टाइम सम के बाद दूसरे को बार और फर्स्ट को मल्टीप्लाई। और एक्सक्लूसिव और में याद रखना है कि सेम इनपुट्स वैल्यू पे आपकी आउटपुट 0 है, और डिफरेंस आपकी कम्बिनेशंस पे आपकी 1 है, और नॉर पे आपका ये है कि सेम पे 1 है और डिफरेंस पे 0 है, क्योंकि डबल बार है। तो डबल बार आप इस पे जब अप्लाई करेंगे तो आप ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन ये बनती है। और सेम इसी तरह आपकी लॉजिकल वही जो इंडिकेटेड सर्किट्स हैं आपकी जो आईसीस फॉर्म में वो यूज़ कर सकते हैं, एंड और नॉट की, और इनकी आईसीस नंबरिंग है कि आपने एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर नैंड नॉट की कौन सी यूज़ करनी है। अलजबरा क्या चीज़ है जी? बूलियन अलजबरा ये मैथमेटिकल सिस्टम है जिसके में आपके थ्री मेन्स कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन ये है कि आपके जो सिस्टम के एलिमेंट्स हैं, सेकेंड वन है जो उसके ऑपरेटर्स हैं यानी जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, थर्ड वन ये जो एक्सियम्स हैं या जो आपने उसमें पासवर्ड्स लगाए हैं। बूलियन अलजेब्रा जो है वो नॉर्मली आपके बाइनरी वेरिएबल जो 0 1 की फॉर्म में या लॉजिकल जो ऑपरेशंस हैं एंड और नॉट या एडिशन सब्ट्रैक्शन के हैं वो हम इसमें डील करते हैं, और सिंप्लीफाइड हम उसमें लॉजिकल सर्किट को डिज़ाइन करते हैं, और देन फिर उस लॉजिकल सर्किट्स को हम उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एज ए फंक्शन करते हैं, कि जिसमें हम डिफरेंट बूलियन फॉर्म्स और डिफरेंट हमने बूलियंस के जो अलजेब्रिक फार्मूलेशन मैथमेटिकल्स जो वो हम अप्लाई करते हैं, और देन हम उसमें अब मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करके मेथड्स के थ्रू
हम अर्थमेटिक ऑपरेशन हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और फिर हम जो हमारे पास लास्ट में इक्वेशन आती है उस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाइड भी करते हैं,